कंपलसरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, जिस तरीके से आपको पता होगा कि जो 86th अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, और दिसंबर 2002 में हमने क्या कर दिया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट, ठीक है, बना दिया। और जितने भी बच्चे 6 से 14 साल हैं उनको आर्टिकल 21A में, और जो हमारा फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन को, हमें एज अ राइट दे दिया उनको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, फंडामेंटल राइट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आप 6 से 14 साल के हैं, या 6 से 14 साल का आपका कोई भी बच्चा है, अगर उसको एजुकेशन मिलने में कोई दिक्कत हो रही है या उसको एजुकेशन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हो और आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज स्टेट मे बी मे बाय लॉ डिटरमाइंड, ठीक है। स्टेट को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को देना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो कि था DPEP, तो इसको लॉन्च किया गया था 1994 में। इसको अचीव करना था क्या, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो किस तरीके से एजुकेशन को, और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्लानिंग की गई थी कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर स्टेट है, वहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट की नीड है उसी के हिसाब से प्लानिंग की गई थी। उसके बाद होलिस्टिक व्यू ऑफ प्राइमरी एजुकेशन देने की कोशिश की गई थी, यानी डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट हमने कर दिया। होलिस्टिक मतलब सारा कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके टीचर पढ़ाना सब कुछ देखा गया था इसमें, और हमने डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट दिया, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन दिया, और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम दिया, ठीक है। रिसर्च बेस्ड सारा उनका सिस्टम था, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, बहुत सारे एक्चुअली इसमें हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं इसके, DPEP के, क्या था इसके नाम से ही जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होगा, तो कि हर चिल्ड्रन को कम एक्सेस हो प्राइमरी एजुकेशन का, ठीक है। या तो फॉर्मल तरीके से कि भाई स्कूल जा रहे हैं, एनरोलमेंट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मल रेगुलर स्कूल होते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के टाइप में भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंस है एनरोलमेंट में, ड्रॉप आउट रेट में, या लर्निंग अचीवमेंट में जेंडर्स के बीच में, उसको हमें लेस देन 5 करना है, ठीक है। मतलब एनरोलमेंट कम हो रहा है उसको हमें बढ़ाना है, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है उसे कम कर, हम इनोवेशन इंटरवेंशन इन टीचर एजुकेशन फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन देखते हैं। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, हम बात क्या करने जा रहे हैं कि देखिए, किसी भी स्टूडेंट को आपको पढ़ाना है, किसी भी स्टूडेंट को कुछ सिखाना है, तो एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा टीचर काफ़ी अच्छा साबित होगा। मान लीजिए कि आप टीचर बन गए फॉर एग्जांपल, और आपको पढ़ाने की स्किल्स ही नहीं आती हैं, आप उतने वेल अवेयर नहीं हो समाज के बारे में, अगर इस तरीके से अलग अलग टाइप के बच्चों को पढ़ाए, या आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो पर अपने आइडियाज़ को बच्चों को कैसे समझाना, वो भी इतने छोटे बच्चों को, कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसमें कई सारे प्रोग्राम्स थे जो टीचर्स को ट्रेन करते थे कि वो एक अच्छे टीचर बन जाए। तो शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट क्या था, तो इसको राजस्थान में शुरुआत किया गया था 1987 में, और इसमें स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी सीडर जो है उसने भी अपना मतलब सपोर्ट दिया था, असिस्टेंस दिया था। और इसका एम ये था कि जो सोशियो इकोनॉमिक रिमोट और बैकवर्ड विलेज है राजस्थान के, स्पेशली लड़कियों के एजुकेशन पे, ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाएगा। देखिए, सोशो इकोनॉमिक रिमोट बैकवर्ड विलेज मतलब जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और एकदम ऐसी जगहों पे विलेज है जहाँ पे किसी भी चीज़ की पहुँच नहीं है, और स्पेशली वहाँ पे लड़कियों के एजुकेशन के लिए इसको रूल मतलब इस पर्टिकुलर सिस्टम को स्टार्ट किया गया था, या ये SKP प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो यहाँ पे क्या एम किया गया कि हम पहले देखेंगे कि टीचर एब्सेंट कितने हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं पर वहाँ टीचर नहीं आएगा, तो स्कूल छोड़कर वो घर ही वापस आएंगे ना, और ऐसे मान लीजिए कि बार बार टीचर नहीं आ रहा तो आखिर में ड्रॉप आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कोशिश किया गया कि मान लीजिए जो रेगुलर टीचर्स होते हैं, मतलब जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है टीचर्स को, उसकी जगह हम लोकल टीचर्स को, जो कि भले थोड़े कम क्वालिफाई हों पर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देके हम टीचर बना दें, ठीक है। तो मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th क्लास हो, लड़कियों के लिए 5 क्लास हो, क्योंकि छोटे बच्चों को ही तो पढ़ाना है, लाइक नर्सरी के जी, फर्स्ट क्लास के, एंड
ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन कि किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, किस तरीके से उनको समझाएंगे, जिससे कि बच्चों का जो इनरोलमेंट है वो बढ़े। उसके बाद क्योंकि ये लोग कम पढ़े लिखे होंगे और इन लोकली होंगे, मतलब मान लीजिए इस ए गांव का है तो बी गांव का आ गया पढ़ाने, या ए ही गांव का पढ़ा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों को दी गई, जो कि क्या होता है कि रेगुलर टीचर्स होते हैं उनका लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएशन एंड 12th मांगा जाता है, लाइक 5th तक के पढ़ाने के लिए, फिर स्पेशल डिग्री वगैरह। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो एकदम फ्री हो जाते हैं, बोलते क्या ही फायदा जाके। तो इसकी जगह ये सिस्टम शुरू किया गया, ठीक है। ये एमबी फाउंडेशन प्रोग्राम था, तो इसको रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करने के लिए लगाया गया था, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का या इसका एम ये था कि जो गाँव में चाइल्ड लेबर है ना, ठीक है, बच्चों को जो काम पे भेजा जाता है और मतलब उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो हमेशा के लिए वैसी ही रह जाती है, उससे हटा के उनको स्कूल्स में भेजा जाए। इसके अंदर हमने कुछ टीचर्स को अपॉइंट किए थे, इस मतलब पैरा टीचर्स को अपॉइंट किए थे। तो इसका मेन एम था कि कैंपेन किया जाए अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को हटाने के लिए लोगों को जागृत किया जाए। उसके बाद चिल्ड्रन जो हैं, पेरेंट्स हैं और कम्युनिटी है, उनको भी अंडरस्टैंडिंग दिलाया जाए कि स्कूल जाना कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने क्या किया कि मान लीजिए कि कोई बच्चा 10 साल का हो गया है, ठीक है, और वो लेबर कर रहा था, अब वो स्कूल में एडमिशन करा के आएगा तो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, उसको ABCD नंबर्स यही सब नहीं आएंगे। तो पहले हम उनको ये सब चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो गैप हो गया है उनके एज या कोर्सेज में वो अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको असिस्ट करने के लिए कुछ 13th टीचर्स वगैरह भी इनको हेल्प करेंगे, ठीक है। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था 1991 में, और काफ़ी अच्छा काम किया कि बच्चों को एक तरह से जो चाइल्ड लेबर कर रहे थे उसे हटा के एजुकेशन की तरफ लेके आए। हिमाचल प्रदेश वॉलंटियर टीचर स्कीम काफ़ी अच्छा स्कीम था, तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 1984 में। इस स्कीम के अंदर क्या था कि हम वॉलंटियर टीचर, ठीक है, उनको अपॉइंट करेंगे जहाँ पे सिंगल टीचर है प्राइमरी स्कूल में। मान लीजिए कि गवर्नमेंट जब आप जो जॉब जो करते हैं तो एक स्कूल में कई बार जो गवर्नमेंट जॉब रेगुलर जॉब वाले होते हैं वो एक ही टीचर होते हैं। आपको पता है लंबा प्रोसेस है, आपने स्कूलिंग की, उसके बाद एक कोर्स किया, फिर जाके आप बनते हो एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करने के बाद। तो यहाँ पे वॉलंटियर टीचर रखते हैं, ठीक है, उनका लिए इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता था, एंड इसलिए क्योंकि दो दो तीन लोग हो जाएंगे स्कूल में टीचर्स, तो बच्चे को जल्दी से अच्छे से संभाल पाएंगे। इससे इनरोलमेंट भी बच्चों का बढ़ेगा स्कूल में। और इस स्कीम के तहत जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी का ग्रेजुएशन हो रखा है, उसके पास वैसे डिग्री नहीं है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन सके, या समटाइम्स ये होता है कि इतनी वैकेंसीज नहीं निकलती ये वो, तो उसको जॉब भी मिल जाए, ठीक है। और जो भी वॉलंटियर टीचर है वो 10 ईयर अगर सर्व कर देता है तो परमानेंट एम्प्लॉयड हो जाएगा, जूनियर बेसिक टीचर इन स्कूल्स। तो ये भी सिस्टम था, काफ़ी अच्छा सिस्टम था। ऐसा सिस्टम इंडिया में भी लगना चाहिए पूरी जगह पे जहाँ पे टीचर नहीं है, बिकॉज काफ़ी अच्छा यूथ जो है काफ़ी नॉलेज वाले भी ग्रास रूट लेवल पे काम पर कर पाएंगे। अब रोल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन टीचर ट्रेनिंग एट प्राइमरी लेवल। अब मान लीजिए कि आप अध्यापक टीचर बन गए प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, लेकिन समय के साथ प्राइमरी जो स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चे हैं उनकी नीड्स बदल रही है, या आपने जो पढ़ाई की होगी 10 साल पहले वो ज़रूरी नहीं है कि उसी तरीके से पढ़ाना ज़रूरी है, या समय के साथ आपको अपने को टीचर को अपडेट करना होगा, ठीक है। तो सबसे मेन इसमें रोल प्ले करता है ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो NCERT। तो इग्नू एंड NCERT ने कोलैबोरेट किया, एक साथ आए, उन्होंने सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स लॉन्च किए बहुत सारे प्राइमरी स्कूल टीचर एंड पेरेंट, कई सारे ऐसे रोल्स, आपको डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन मिल जाएगा, और बहुत सारी इस टाइप की स्कीम लॉन्च की जिसके थ्रू आप पढ़ के अपने जो अपना नॉलेज है या आप अपने आप को पूरा मतलब अपडेट रखोगे, ठीक है। उसके बाद
एनसीईआरटी और इग्नू ने मिलके वीडियो लेक्चर्स वगैरह भी देना शुरू किया कि प्राइमरी टीचर्स जो है मध्य प्रदेश कर्नाटका स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर, जिसको SOPT कहते हैं, ऐसा भी लॉन्च किया जहाँ पे वीडियो के थ्रू भी लोगों को ट्रेन किया जाए, टीचर्स को ट्रेन किया जाए। उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम अंडर इग्नू इन कोलाबरेशन विद NCERT, तो इसमें प्रोग्राम के अंदर 1996 में लॉन्च किया गया था। इसमें MHRD भी था, इन्वॉल्व था, और काफ़ी सारा वर्ल्ड बैंक तक इन्वॉल्व था। तो इसमें क्या था मेन, क्या करना था, तो देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो टीचर्स का था उसको बेटर करना था। और मान लीजिए कि टीचर पढ़ा भी रहा है, तो आप मान लीजिए कि ट्रेनिंग सेंटर खोल भी देते हैं, तो वहाँ पे टीचर बार बार जा नहीं पाएगा, तो हम इस तरीके के मटेरियल्स उनको प्रोवाइड कर दे कि वह घर पे भी देख के अपने आप को समझ सके या अंडरस्टैंड कर सके कैसे पढ़ाना है या उनकी ट्रेनिंग पूरी हो सके, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम अंडर सर्व शिक्षा अभियान DEPSSA, मतलब DEPSSA इसका शॉर्ट फॉर्म होगा, और ये भी MHRD के अंदर ही था, नेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एक्टिविटीज़ अंडर SSA, जुलाई 2003 से ये हुआ, मतलब लागू हुआ। और इस प्रोजेक्ट में फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज वगैरह में इग्नू ने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। इग्नू ने ही जो स्कीम बनाई गई और कैसे एक्टिविटीज़ करनी होगी, किस तरीके से टीचर्स को ट्रेन करना होगा, इग्नू ने हेल्प किया। और इसमें सर्व शिक्षा अभियान जो है कि सबको पढ़ाना है, 6 से 14 साल के बच्चों को, उसको अचीव करने के लिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में टीचर्स को ट्रेन किया गया, ठीक है। तो ग्रुप में कोई आई थिंक कोई स्टूडेंट जो था वो पूछ रहा था कि क्रिटिसिज्म क्या है या क्रिटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए आप पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, हम इतनी सारी योजनाएँ लेके आए, एक योजनाएँ नहीं आई हैं, एक के बाद एक एक योजनाएँ आती रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो योजना आई थी वो उस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अगर आप डेटास चेक करेंगे तो आज भी देखेंगे कि कास्ट सिस्टम होता है। आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा कि राजस्थान में आई थिंक एक बच्चे को इसलिए मार मार के उसकी जान ले ली गई क्योंकि वो SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करता था। उसने अपर कास्ट के टीचर का पानी से, मतलब जो पानी का स्थान था या मटका था, वहाँ से पानी पी लिया था। क्या शो करता है कि कास्ट सिस्टम स्टिल है। ST, SC और स्पेशली वीमेन अभी भी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन नहीं ले पाते बिकॉज उनके ऊपर इतनी सारी बर्डन्स हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो इस टाइप की फैमिली से नहीं आते जो उनको भेज सकती हैं। इतनी सारी योजनाओं को लाने के बाद भी हम बहुत कम नंबर तक, मतलब बहुत कम बच्चों को एजुकेशन से जोड़ पाए हैं। आपको लगता है कि चाइल्ड लेबर ख़त्म हो गया, सब्जी के मार्केट में जाके देखिए, ठेलों पे जाके देखिए। तो हाँ, यही सब जो पॉइंट्स यहाँ से निकल के आपको आता है, आप खुद भी इस चैप्टर को देखिए वीडियो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कितनी सारी क्रिटिसिज्म आप खुद लिख सकते हैं। जब आप खुद लिखेंगे तो अपने आप टीचर को समझ में आ जाएगा कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।